नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की यहां पर इकाई के लगातार जो है यहां पर अध्यक्ष और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां पर शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर कांग्रेस नर्मदा सेवा सेना बनाएगी। ये सेना नर्मदा नदी के यहाँ पर संरक्षण के लिए काम करेगी। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस नर्मदा के संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा सेना बनाएगी। नर्मदा नदी 28 क्षेत्रों से यहाँ पर होकर गुजरती है, उन क्षेत्रों में यहाँ पर सदस्य बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सदस्य बन सकते हैं, मुझे ऐतराज नहीं है। अगर वो यहाँ पर मान जाएं कि नर्मदा में रेत का धंधा बंद हो जाएगा तो मैं शिवराज को भी इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। किसानों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कमलनाथ ने कहा कि राज्य में यहाँ पर लगातार किसानों की हालत खराब हो रही है, उन पर कर्ज बढ़ रहा है, प्रदेश का किसान कमजोर हो रहा है और ये स्थिति यहाँ पर चिंताजनक है। इसलिए यहाँ पर कर्ज माफी की नीति बनाई थी और पहले चरण में यहाँ पर 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था, मगर बीजेपी कहती है कि ब्याज माफ करेंगे तो सवाल उठता है कर्ज का क्या होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसान जब आवाज उठाता है तो उसे सजा होती है, जेल भेजा जाता है। कांग्रेस सरकार आएगी तो किसान न्याय योजना लाएंगे, इससे किसानों का कर्ज माफ होगा और खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर के पंप को भी निशुल्क बिजली दी जाएगी। पुराने बिजली बिल माफ होंगी, खेती की यहां पर लागत को कम करने के पक्ष में कदम उठाया जाएगा। राज्य में चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की घोषणाओं पर कमलनाथ ने कहा शिवराज सिंह चौहान को 18 साल बाद संविदा कर्मी बहना याद आ रहे हैं, इस बात की समीक्षा का भी समय है। उन्होंने यहाँ पर 5 साल में कितनी ही यहाँ पर घोषणाएं की और साथ ही उस पर कितना अमल किया, बाकी सालों का हिसाब तो बाद में दें। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, खेत किसानों का बिल माफ होगा, किसानों का पुराना बिल माफ कर दिया जाएगा और आगे मुफ्त बिजली का भी रास्ता साफ होगा, नारा है कांग्रेस का। राज्य में चल रही योजनाओं पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि यहाँ पर ठेका इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 25% पहले कमीशन मिलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है, यहाँ पर भ्रष्टाचार व्यवस्था बन चुकी है, इसलिए यहाँ पर निवेश नहीं आ रहा है, निवेश की मांग नहीं कर सकते बल्कि उसे आकर्षित करना पड़ता है और ये विश्वास पर ही होता है। इन्वेस्टमेंट समिट करके बताते हैं कि यहाँ पर 30-50 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, मगर आया कितना है, वास्तव में 5% तक भी निवेश नहीं आया। 33 मिनट की यहाँ पर स्पीच में सिंधिया पर भी प्रियंका गांधी के यहाँ पर चुप्पी का क्या राज है, बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस करेगी नया खेला, वहीं बीजेपी भी यहाँ पर गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये करने की बात कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि यहाँ पर तो बड़ी खुशी की बात है कि सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देने को तैयार हो रही है और ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर मेरी कोई बात मान रहे हैं। राज्य के कांग्रेस संगठन को लेकर उनका कहना है 3 साल में कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है, उस पर पूरा भरोसा है और ये चुनाव किसी पार्टी उम्मीदवार का नहीं, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग भविष्य सुरक्षित रखेगा। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम और साथ ही दखल को लेकर भी पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा ये उनकी जो है नर्वसनेस जाहिर हो रही है जो कि दीवार पर लिखी इबारत से पढ़ा जा सकता है। चुनाव होंगे, देखते हैं हम क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जनता को अपने पाले में लाया जाए। दूसरी तरफ बात कांग्रेस की जाए, कमलनाथ की जाए, दिग्विजय सिंह की जाए तो लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है।
सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिरकार जनता को अपने पाले में लाने में कौन कामयाब होगा। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार के विकास को लेकर कितना असर जनता पर पड़ रहा है, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिला और जनता कितना भरोसा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पर करती है ताकि बीजेपी के पक्ष में मतदान करे। सवाल यह भी बड़ा उठता है कि आखिरकार क्या वाकई में कांग्रेस अपने पाले में जनता को लाने में कामयाब होगी, क्योंकि वादे बड़े बड़े दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। देखना होगा सच्चाई कितनी है, देखना होगा जनता का समर्थन हासिल करने में कौन कामयाब होता है। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।